कैसे हो मुंबई। So good morning from Mumbai. Sorry, good morning from Leh Ladakh, and welcome back to my YouTube channel Rolling Peace. As you can see, हम लोग ready हो रहे हैं अभी sunburn के लिए निकलना है. Sorry, sunburn के लिए तो शाम को जाना है. I hope मैं यहाँ पर रुक पाता ज़्यादा Leh Ladakh में, लेकिन ये hotel full है तो अभी किसी और area में check-in करने के लिए जाएंगे. वैभव यशा लोग आ गए हैं मुंबई में, उनका hotel है अंधेरी ईस्ट में. So hopefully हम लोग भी अंधेरी ईस्ट की ओर ही जा रहे हैं, चेक इन वहाँ पे कर लेते हैं सेम होटल में. सनबर्न का जो वेन्यू है वो महालक्ष्मी रेस कोर्स के आजू बाजू में है. 2-3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, तो वो सब ध्यान में रख के हम लोग काम करने वाले आज. सो एज यू कैन सी, आपका ब्रो रेडी हो चुका है. ये देखो, ये सब हटाओ ना, ये क्या बीच में रख दिया है. ये देखो, आपका ब्रो रेडी हो चुका है ऊपर से नीचे तक, लेकिन शूज पहनने बाकी है. अभी लद्दाख से गोवा तक शूज लेने के लिए जाना पड़ेगा. ये रहा गोवा और यहाँ पे है अपना शूज अबीबास. ये है अपने अबीबास, 400 रुपीज में परचेस किए हैं मैंने खार से. खार के अराउंड में ही हम लोग रुके थे ना. और ये मैडम अपने खुद के लिए 4 शूज लेके आई है, 5 शूज लेके आई है, और मेरे लिए सिर्फ 1 शूज. सिर्फ इसे खुद की ही अपनी ही चिंता है, मेरी कुछ चिंता नहीं है. मेरी जिम्मेदारी लोगे कि नहीं लोगे, ये सब सामान तो मैं ही पैक करती हूँ ना. ये बोलती रहती है मैंने ये सब अभी रखा, ये सब अभी ऊपर ऊपर से एक्टिंग कर रही है. चलो निकलते हैं, अभी चेकआउट करते हैं. मुंबई आए हैं, आमची मुंबई, तो वड़ा पाव तो बनता है ना. बाय बाय Leh Ladakh. इसमें कार को लेके जाना है, कार की लिफ्ट है ये. चलो अभी हम लोग एक खार रोड रेलवे स्टेशन पे, लोकल ट्रेन का स्टेशन है. अभी साउथ इंडिया ड्राइव के हमारे साथी जा रहे हैं घर पे, उनको वेव ऑफ कर देते हैं. हमारी पूरी ट्रिप की जो रेस्टोरेंट्स थी, होटल्स थी, वो हम लोग वाइल्ड ड्राइविंग ही बुक करवाते थे, तो वो भी थैंक्स टू हर, उनकी वजह से ही सब ऑनलाइन देख देख के हम लोगों ने बुक किया है. थैंक्स फॉर एवरीथिंग, बाय बाय. Two hours later. दूसरी होटल में चेक इन करके चेकआउट भी कर लिया है. अभी अपने दोस्तों के साथ लोकल ट्रेन मुंबई आए और लोकल ट्रेन में सफर नहीं किया तो क्या किया. ये है असली मुंबई. पॉप डेट्स, मजा आ गया, सही मजा आया, सही चिल मारी है हम लोगों ने पॉप डेट्स में. ये सब कंसेप्ट इस मोहतरमा के होते हैं. एकदम सही कंसेप्ट लाती है. खाने का सब कुछ थोड़ा सीन सेंसर्ड है, ज्यादा पोस्ट नहीं कर सकता यूट्यूब पे. स्टे ट्यून्ड फॉर सनबर्न, प्लीज. Right now we are at Sunburn and we are waiting for the light. Kaise ho Mumbai?
people. If you want some more music, can I get an ayo? Years later. चलो चलते हैं अभी. सीट ड्रो. ओके. कैसा रहा सनबर्न? बहुत मस्त. अभी सीट को भाई बोलना है, उसकी 1:30 को ट्रेन है. एंड फिर ये शाह वैभव एंड केड़ा भाई, उनके साथ हम लोग जाएंगे, थोड़ा मुंबई घूमेंगे एंड देन स्ट्रेट टू होम. चलना वैभव चलना यार, पूरा लेस पीती राइड पे, तूने लेट किया अभी. आज भी लेट कर रहा है यार. मिलते हैं सूरत में, ठीक है? चल एडवी बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ. ओके बाय, सी यू अराउंड. ओके सो कल से बहुत आना जाना हो गया है. आपको पहले से स्टोरी सुनानी पड़ेगी क्योंकि ये है दूसरा दिन. कल क्या हुआ था कि हम लोग लोकल ट्रेन में सफ़र करके लोकल रॉ लाइफ को देख के सनबर्न में गए. फ्रेंड्स लोगों के साथ बहुत ही चिलिंग रहा, क्योंकि पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस जो रहा, साउथ इंडिया ड्राइव पूरा कंप्लीट हो गया. उसके बाद लास्ट दिन पे हमारी हनीमून ट्रिप के एंड पे मेरे सब फ्रेंड्स मिले. सबसे मिलके मुझे बहुत मज़ा आया. पर्सनली इट वॉज पर्सनल, बट फिर भी आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि यू आर पीस ब्रोस, यू नो. ट्रिप का जो एंड था वो बहुत ही सही था. कल वापस होटल पे गए, बाद में सुबह में होटल में चेक इन किया. उसके बाद में हम लोग जाने वाले थे घर के लिए, सूरत के लिए. लेकिन वैभव लोगों के साथ हम लोग सीलिंग पे आए और मुंबई दर्शन किया. सब कुछ ख़त्म होने के बाद अभी फाइनली हम लोग निकल रहे हैं गुजरात के लिए. साउथ इंडिया ड्राइव की मैं ओवरऑल बात करूँ तो टोटल 4500 किलोमीटर्स हुए हैं. गाड़ी ने फ्यूल इकोनॉमी दिया है 17.1 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है. 17 का फ्यूल इकोनॉमी है. गाड़ी में भी कोई दिक्कत नहीं आई है. डस्टर वॉज परफॉर्मिंग वेरी वेल ऑन अप हिल क्लाइंबिंग, यू नो, एकदम स्टीप क्लाइंब होता है वहाँ पे भी. बूट पूरा फुली लगेज के साथ लोडेड हो, 4% गाड़ी में बैठे हो, फिर भी गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी. रब्बा रब निकल रही थी गाड़ी. और ऑफ रोड्स भी बीच बीच में कहीं पे आ गए थे तो गाड़ी ने एकदम सही परफॉर्म किया है. और स्पेस और यूज़र कन्वीनियंस के हिसाब से भी डस्टर एकदम सही लगी मुझे. रोड्स की अगर बात करूँ तो थ्रू आउट जर्नी रोड्स भी एकदम सही थे. बीच बीच में कहीं पे कोस्टल एरिया और रूरल एरियाज आ जाते थे तो वहाँ पे सिंगल पट्टी रोड रहते थे, मतलब टू लेन रोड्स रहते हैं विदाउट डिवाइडर. तो वहाँ पे थोड़ा केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है बहुत जगहों पे, क्योंकि लोकल लाइट्स कहीं से भी निकल सकते हैं, बच्चे निकल सकते हैं, एनिमल्स निकल सकते हैं. तो वहाँ पे केयरफुली ड्राइव करना पड़ा. लेकिन रोड स्मूथ थे. एक घंटे में सिर्फ 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर उतना ही ट्रैवल होता था कहीं कहीं पे. लेकिन फिर भी व्यूज ऐसे रहते थे ना तो हम लोगों को मज़ा ही आया है. और एक्सपेंस की अगर बात करें तो 1 लाख से 1,10,000 के अराउंड फॉर 4 पर्सन. सो पर हेड आएगा अराउंड 25,000 to 30,000 ओनली. और वो भी इंक्लूडिंग रोड टैक्स, गाड़ी का डीजल और सब कुछ इंक्लूड करके. हमारी शॉपिंग भी उसमें आ गई है. ये सब इतने सस्ते में इस वजह से हो रहा है क्योंकि जिस एरिया में हम लोग जाते थे वहाँ पे गूगल में प्रॉपरली हम लोग सर्च करते रहते थे. तो उसकी वजह से होटल कौन सा बजट के हिसाब से कन्वीनियंट है. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना है डायरेक्ट गूगल करो, जिसका रेटिंग अच्छा है चले जाओ वहाँ पे. उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता था कि 300-500 रुपीज़ में तो हम लोग पेट भर के 4 लोग खा लेते थे, वो भी अच्छा वाला डिलीशियस टेस्टी फूड. और हाँ, खाने की अगर बात करूँ तो हम लोगों को ऐसा बताया गया था कि साउथ इंडिया में फूड खाना मतलब अपना जचेगा नहीं. भाई मैं सुरती हूँ, हम लोग जीप का जो है ना चटाका वाले पब्लिक है. हम लोगों को जब तक खाने के मज़ा नहीं आती ना तब तक हम लोगों को कुछ मज़ा नहीं आता. ट्रस्ट मी गाइस, मुझे साउथ इंडिया में कहीं पे खाने का प्रॉब्लम नहीं हुआ है. यूज़ गूगल. ओके, और क्या था? रूल्स 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 या
ट्रैफिक रूल्स सही में फॉलो करो। बेंगलोर में हम लोगों को एक दो बार ओवर स्पीड की वजह से हम लोगों को रुकाया था, और एक बार हम लोगों को रुकाया था सीट बेल्ट की वजह से, हमारे मोहतरमा ने भी पहना नहीं था तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुआ। सेफ्टी की जगह पे अगर आप बात करो तो सेफ्टी की वजह से सीट बेल्ट तो कंपलसरी है, पहन के ही निकलो और ट्रैफिक के सभी रूल्स फॉलो करो तो आपको साउथ इंडिया में, बेंगलोर के बाद में तो कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला ही नहीं है। दैट्स इट, यहीं पे सब कुछ ख़त्म होता है। अगर आपको अभी भी कुछ क्वेश्चंस लग रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अपनी साउथ इंडिया ड्राइव को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने सभी वीडियोस देख लिए होंगे, 12-13 वीडियोस आए होंगे अभी तक मुझे झेलने के लिए, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। एंड दैट्स इट, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में, किसी और नई जर्नी पे। टिल देन कीप रोलिंग विथ पीस ब्रो, पीस। और हाँ, ऐसे ड्राइविंग करके करते ब्लॉगिंग करना रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन हम लोग काफ़ी स्लो स्पीड पे है ना, तो कर दिया।